Ministry of Youth Affairs and Sports has approved the constitution of an empowered steering committee with focus on preparations in the short term for 2020 Tokyo Olympics. Empowered committee also recommended a panel of names of companies for carrying out athlete monitoring and data analysis work. कॉमनवेल्थ गेम्स तक रुकिए, आपको दिखाई देगा कि मंत्रालय ने क्या क्या नए नए कदम उठाए हैं. अब ये जैसे पोर्टल है, और खाली पोर्टल नहीं है, पोर्टल से हम टैलेंट को आइडेंटिफाई करेंगे. टैलेंट को आइडेंटिफाई करके हमारी स्कीम है 1000 स्कॉलरशिप्स ऑफ 5 लाख ईच पर ईयर फॉर द नेक्स्ट एट ईयर्स, जो 8 साल और उसके अभाव हैं. ये चेंज है, तो ये सारी चेंज है. पर पब्लिक और वो सब लोग मेडल से उसको काउंट करते हैं. मैं मेडल से काउंट नहीं करता, मैं इससे काउंट करता हूँ कम एंड सी अवर ट्रेनिंग सेंटर्स, कम एंड सी अवर टॉप स्कीम जिसमें ये लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, और उसके बाद देखिए. तो ये जो कमेटी है, ये यही सब काम करने वाली है. कमेटी का काम क्या होगा कि जो हाई प्रायोरिटी और प्रायोरिटी डिसिप्लिन्स हैं कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए, एशियन गेम्स के लिए, ओलंपिक गेम्स के लिए, उसमें उसको रिव्यू करेंगे. और वो जो लिस्ट होगी है ना, उसको रिव्यू करने का काम है. और अभी इसकी जो टर्म रखी गई है वो 2020 के 31 दिसंबर तक रखी गई है, ताकि जो टोक्यो के अंदर ओलंपिक्स हैं उस पर ये एम्पावर्ड कमेटी भली भांति काम कर सकेगी. तो इसका जब कॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा तो हम आपको इसकी जानकारी दे देंगे. और मैं समझता हूँ कुल मिलाकर स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के साथ ये एम्पावर्ड स्टीयरिंग कमेटी मिलकर काम करेगी.